तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। नाना प्रकार का भाव का समाहार हुआ है। एक भाव अष्टय करके ईश्वर को आराधना करना चाहिए, इसका विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। शांतो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर एवं आखिर में ये भी दिखा गया है कि कोई भी भाव अपनाने के पहले भाव ग्रहण करने का एवं आरक्षण करने का सामर्थ्य होना चाहिए तथा भाव नियंत्रण भी होना चाहिए, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। और आखिर में जो हम लोग चर्चा किया है भगवद गीता में षष्ठ अध्याय का 36वां श्लोक उद्धृत करते हुए कि असंगजतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति ही वश्यात्मना तु सतता शक्को भक्तु उपाय था। वश्यात्मना तु जतता शक्को भक्तु उदय, जो जिसको इंद्रियां वश में है एवं जो जत्नशील है जतता है जत्नपर है वो आसानी से भाव संरक्षण कर सकते हैं, भाव को गभीर करते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो असंगत जो जिसका असंगत चित्र है उसको नहीं होने वाला है। तभी उपसंहार करने का लिए मैं बताया था। तो ठाकुर तो सब सर्व प्रकार का भाव अपनाना जीवन है, अपने जीवन में अपनाया, बारी बारी में सब भाव में वो सफलता अर्जन किया अतीव क्षिप्रता के साथ। जब उनका सब साधन भजन संपूर्ण हो गए देन हाउ डिड ही स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ, ये चर्चा का विषय है। अभी कौन भाव ग्रहण करते हुए कैसे वो रहा, तब वेदांत भी वेदांत मत में भी वो सिद्ध हो गया था, तो आखिर में वेदांत मत का ही साधन किया था। यूजुअली जो वेदांत मत में साधन किया उसको भाव ही रिटेन करते हैं, जिसके उनका गुरु तूतापुरी जी। जब ये अवस्था हुआ तब ठाकुर ने कहा कि स्वयं भगवती जगन माता ही उनको बताया, अब तुम अगुंती भाव मुखे थक कोई भाव अष्टय करके तुम अभी रहो, नहीं तो तुम्हारा अभी रहना मुश्किल होगा। जब अभी तक वो आराधना कर रहे थे भगवान को, अपना प्रेम का संपर्क रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब उनका आखिर में वो रेलिंग में गिर गया श्री कृष्ण को दर्शन करते हुए उसको प्रेमालिंगन देते हुए आगे बढ़ा, बेहोश होकर गिर गया और वो हाथ टूट गया, तब सीमा ने बताया अभी तुम्हारा ये जो समय आया है अवस्था आया है अभी तुम अपने को भक्ति भक्त रखते हुए आगे करो, कुछ भाव अवलंबन करते हुए रहो। तो कौन भाव श्री ठाकुर अपनाया वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वैरायटीज ठाकुर कौन भाव में अभी आखिर में जीवन बिताया, वो ठाकुर का कहना है मेरा भाव है संतान भाव। दिस इज द मास्टर स्ट्रोक, ये लगता है युग के लिए ही भाव ठाकुर अपने लिए छोड़ के गए हैं। इसे चैतन्य देव मधुर भाव को प्राधान्यता दिया था
इसे ठाकुर ने दस संतान भाव को प्राधान्य दिया, अपने को जगन माता को संतान रूप से समझते थे और उसी अनुसार जीवन बिता के दिखाया कैसे भक्ति के साथ रहती हुई जीवन में सर्वकर्म संपादन करना चाहिए। तो ये संतान भाव ही ठाकुर की जो सिलेक्टेड भाव था वही उसी अनुसार वो अपने जीवन में करके दिखाया। इस भाव में हम देखते हैं कि ये पांच विशेषता है संतान, ये वात्सल्य भाव का रिवर्स है। वात्सल्य भाव में हम ईश्वर को अपना संतान समझते हैं और उसी अनुसार उनको प्यार करते हैं, जैसे पिता माता संतान को प्यार करते हैं। और आदर्श है माँ यशोदा, नंद घोष इत्यादि। और दूसरा है जैसे कि जो गोपाल माँ बच्चा समझ कर भगवान को, और दूसरा है जो खुद को भगवान को संतान समझना, जस्ट रिवर्स। इसमें जैसे मैंने कहा पांच विशेषता है। प्रथम है कि जब हम ईश्वर को माँ समझते हैं तब उनके साथ हमारा अपनापन सहजात हो जाता है। ये कह रहे सहजात मतलब जन्मावधि माँ के साथ हमारा एक अपनापन है, ब्लड रिलेशन कहा जाता है। तो जो माँ के साथ संतान का जितने करीबी है अपनापन, और किसी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो माँ के साथ वो तादात्म्य है, आत्मिक संपर्क है। तो पहले जो ईश्वर के साथ हमारे जो रिश्ता बनाना है उसको क्या लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान को अपनाना चाहिए। वी हैव टू मेक गॉड आवर वेरी ओन, इसीलिए तो हम लोग रिश्ता बनाते हैं। भगवान दूर में है, शांत भाव में है, तो उनको करीब में पहुंचने के लिए हम कुछ रिश्ता का बंदोबस्त करते हैं। और माँ का साथ जो संतान का रिश्ता है वो सबसे करीबी है, उससे करीबी है उनके कुछ नहीं हो सकता है। तो संतान के साथ ये हमारा स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविक, आपको अपनाने का जरूरत नहीं। एवरी पर्सन हैज़ ए मदर, जो साखा हो, प्रभु हो और पति हो, ये किसी को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संतान भी हो, नहीं भी हो सकता है, लेकिन माँ सबके पास है। एवरीबॉडी हैज़ ए मदर, एवरी वन, विदाउट मदर नोबडी कैन एग्जिस्ट। तो इसीलिए ये हमारे एक स्वाभाविक भाव होता है, नंबर वन, सबसे डायरेक्ट एवं सबसे अपना। द्वितीय है कि जो माँ के पास हमारे एक निर्भरता है, जब संतान माँ के साथ रहते हैं तब उनकी जो प्रयोजन वो सब माँ देखभाल करते हैं, संतान डजंट हैव टू डू एनीथिंग। तो ये जो स्वाभाविक निर्भरशीलता भगवान के ऊपर, ये भी मातृभाव से बहुत सहज हो जाता है। जब संतान माँ के पास रहते हैं उसका कोई चिंतन नहीं है, वो क्या करेगा नहीं करेगा सब माँ संभाल लेंगे। माँ है ये बोध इतना ही काफ़ी है, बस बाकी सब वो माँ संभाल लेंगे। ये जो परम निर्भरता शरणागति, यही भक्ति का आखिर बात है कि जो प्रभु हमें देख रहे हैं वो हमारा सब कुछ संभाल लेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वास षड्विधा शरणागति, वो हमके रक्षा करेंगे, वो हमको हमको देखभाल करेंगे, सदा देख रहे हैं, सदैव। माँ के पास रहने से बच्चा निश्चिंत है, सो हमारा कोई टेंशन का जरूरत नहीं है। ये द्वितीय भाव है कि हमारा जो निश्चिंत जीवन, ये रिश्ता से बनेगा, हमारा साधन जीवन निश्चिंत हो जाएगा अगर कोई भगवान को अपना माँ समझकर संतान भाव से साधन भजन कर सके। और तृतीय है कि माँ हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, हमारे माँ को खुश करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुश है संतान के प्रति,
मदर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन. तो हमारी जो मन में होता है साधन भजन करके इष्ट को तुष्ट करना पड़ेगा. इष्ट ऑलरेडी तुष्ट है हमारे साथ, माँ सदा संतुष्ट है. तो हमारी जो साधन भजन का बोझ कुछ नहीं रहता. श्री माँ शारदा भी कहा करते थे कि तुम लोग आनंद में रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली समझ लेना तुम्हारा एक माँ है, इतना ही. ये अवेयरनेस, सचेतनता, भाव्य हमार आर क्यू नाथा एक जन माँ आछिन. जो माँ है ऐसी बोध किसी के पास रहेगा, फिर इतना बोध ही उनका काफ़ी है, और कुछ उनको करने का जरूरत नहीं है. आनंद में रहना है. जो माँ जार आनंदमयी शिखी निरानंद थके. तो हमारी जो एक गलत फहमी है जो हमें भगवान को साधन भजन करके तुष्ट करना पड़ेगा, भगवान की कृपा हमें लेने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, काबिल करना पड़ेगा, ये सब मातृ आराधना में बिल्कुल नहीं है. आई हैव ए बर्थ राइट, आई डिजर्व हर अटेंशन, आई डिजर्व हर ग्रेस, आई डिजर्व हर लव बाई डिंट ऑफ माई जन्मजात अधिकार है. दूसरा जगह में आपको साधन भजन करके वो अधिकार अर्जन करना पड़ेगा, लेकिन संतान को जो माँ के गोद में जो अधिकार, वो जन्मजात है. उनके लिए उनका कोई यार तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ये सहजात है. ये जो अद्भुत एक ठाकुर ने ये रिश्ता के बारे में जबर लगाया कि हमारे साथ माँ का जन्मजात अधिकार है, हमें उनको तुष्ट करने का जरूरत नहीं है. लेकिन माँ के साथ अब अगर कुछ तो नहीं करना है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज दी लाइफ स्टाइल, व्हाट इज टू बी डू इन दी वर्ल्ड एज साधन भजन. तो माँ कैसे खुश होता है वो भी बताया. फिर अगर संतान कोई माँ को माँ बोलकर पुकारे, इससे अच्छा मधुर मंत्र माँ के और कुछ सुभाता नहीं. कोई मंत्र तंत्र का अधिकार नहीं. तो ये जो संगीत में है, छेलेर मुखे मामा बानी सुनबेन बोले भवरानी आड़ाल थेके शोनेन पाछे देखिलेन ना डाके यार. माँ तो हमें दर्शन दे सकते हैं, इतना करीब है, हमारे साथ सर्वदा विचरण कर रहे हैं, हमें लालन पालन कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं. तो जब संतान माँ को पुकारते हैं, उनको दर्शन करने चाहते हैं, वो दर्शन क्यों नहीं देती है? ये सहज बताया कि जब संतान माँ के लिए पुकारते हैं, माँ आ जाने से क्या करते हैं, वो रोना बंद कर देता है, पुकारना बंद कर देते हैं, माँ को मिल गया. लेकिन माँ का जो प्यारा चीज़ है वो मातृ पुकार, मातृ संबोधन, वही माँ के लिए परम आदरणीय है और परम गृहणीय है. इसीलिए थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि जब तक दूर रहते हैं वो बच्चे हमें पुकारेंगे, वो जो बोली उनका सबसे मीठा लगता है. इसीलिए वो संगीत में है, तुम्हारी नाम बोलबो नाना छोले. तो नाना प्रकार के मैं तुम्हारी नाम पुकारते रहूँगा. शिशु जमन माँ के डाकार नेशाए डाके, डाक वो बोले सही सुखेती मायर नाम से बोले. जो बच्चा जब शिशु जब माँ को पुकारते हैं, वो एक नशा का जैसा, माँ पुकारने से उनका आनंद है, इसलिए वो माँ पुकारते हैं. तो जैसे माँ को मातृ नाम बहुत एक आनंद का स्रोत है, हमें भी वैसी मातृ नाम में आनंद उठाना चाहिए. यही है बात. जो माँ जब हमारे मातृ नाम से आनंद मिलता है, तो हमारा खाली एक ही चीज़ बचा है कि माँ को व्याकुल होकर माँ माँ करके पुकारना. जब वो मातृ नाम से हमारा भी रुचि पैदा हो जाएगा, हमें भी आनंद मिलेगा, और वो नाम सुनते हुए भगवान को तो आनंद मिलेगा ही, तभी आनंद का बराबरी हो जाएगा.
यही मातृ साधन का आखिर बात है। तो ठाकुर जी से कहा करते थे कि और आखिर में जो पायन बताया ये सबसे शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है, मातृभाव से, क्योंकि भगवान के साथ रिश्ता हम बनाएंगे उसमें शुद्धिता होना चाहिए, मन की पवित्रता होना चाहिए। जैसे बताया असंगजत आत्मना योग, इसका मन असंगजत है वो योग नहीं पाएंगे, लेकिन इधर माँ के साथ रिश्ता होने से कोई असंगजत का कोई बात ही नहीं होता था। माँ के साथ बच्चा का जो रिश्ता है वो सबसे पवित्र होता है, सबसे प्यारा होता है, सबसे शुद्ध होता है। जब कोई भक्त ईश्वर के साथ ऐसी अपने को संतान समझकर भगवान को लिए आगे बढ़ते हैं तब उनकी आध्यात्मिक जीवन बहुत सहज हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है भगवान के साथ उनका रिश्ता, जो कि श्री रामकृष्ण अपने जीवन में करके दिखाया। एवं वो कहा करते थे कि बच्चा को जैसे माँ को पास जाने से माँ को पुकारने का उसका जन्मजात अधिकार है, मदर कैन नेवर आस्क हर बेबी फॉर एनी क्वालिफिकेशन, किस औकात से तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ तो ये हमारा बर्थ राइट है। तो वैसे ही हमें जब ईश्वर को अपना जो अपने को ईश्वर का संतान समझिए तब ये आध्यात्मिक जीवन बहुत सहज हो जाएगा, बिकम वेरी नेचुरल, देर इज़ नो एम्बिग्यूटी, देर इज़ नो अननेचुरल डीलिंग विद गॉड, वी बिकम वेरी वन विद गॉड बाई द मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस रिलेशन। इसीलिए ठाकुर सर्वभाव के ऊपर इस संतान भाव का प्राधान्यता दिया है। तो भगवान जब कुछ भाव लेकर धराधाम में अवतीर्ण होते हैं उसका कोई अर्थ रहता है, ही सेट्स ए मॉडल फॉर अदर्स टू रेप्लिकेट। ईश्वर मानव रूप धारण करके लीला करते हैं ताकि मानव उस मार्ग अनुसरण करते हुए ईश्वर बन सके, गॉड बिकम्स मैन सो देन मैन में बिकम गॉड। तो ये जो भाव का सब कुछ संहार करते, सब कुछ भाव अपने जीवन में पालन किया, सफल लाभ किया, जो वात्सल्य भाव में, फिर वो मधुर भाव में, फिर दास्य भाव में, सख्य भाव में इत्यादि सब करने के उपरांत ठाकुर क्या भाव रखा, संतान भाव। तो इसलिए हमें वही संतान भाव अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए एवं उससे ही हमारे ठाकुर ने बताया कोई भाव आश्रय करके आगे चलो और आखिर में अपनी जीवन में संतान भाव आश्रय करते हुए दिखाया कि नाना प्रकार का प्रतिकूल अवस्था में होते हुए भी वो कितने आनंद में बिता रहे थे। उनका जीवन में हम देखते हैं कितना प्रकार का रोग शोक, उस जीवन में कैंसर कितने वेदनादायक है अब जानते हैं, तभी भी था आज भी है, तभी भी था और ज़्यादा था, इतना कोई पेन किलर नहीं था, आज भी बहुत दयनीय है। तो अभी जो इस अवस्था में ठाकुर कैसे आनंदपूर्ण होकर जीवन बिताते थे ये हमारे शिक्षणीय है, और उसका कारण क्या है, ठाकुर के संतान भाव के साधन, ये आखिर भाव है। जीवन में भगवान को साथ भगवान को लेके चलना चाहिए, दूसरा बात है एक भाव आश्रय करके चलना चाहिए, तीसरा भाव बात है अगर संतान भाव अपनाते हुए कोई भगवान के साथ विचरण करे तो उनके जीवन सहज हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है एवं आनंदपूर्ण हो जाता है। हम फिर इस चर्चा को और भी कोई भाव ठाकुर ने बताया कि हनुमान जी के भाव, प्रहलाद जी के भाव, वो सब हम विस्तार अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है, शाम को आरती के बाद नारद भक्ति सूत्र का अधिवेशन होगा, प्रवचन होगा, आप लोग सब
स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।